भारत आज ऐतिहासिक सिद्धि प्राप्त करे ते माटे भाविकोनी सोमनाथ महादेव ने प्रार्थना। विश्वभरी नजर आज भारत चंद्रयान लैंडिंग पर है, त्यारे आ चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग करे ते माटे सोमनाथ महादेव पवित्र श्रावण मास में देश विदेश भाविकोए प्रार्थना करी। भारत चंद्र मिशन चंद्रयान 3 हवे अंतिम तबक्का में है। ईसरोना वैज्ञानिक साथ साथ देश हृदय धबकारा वधी रहा है। छेल्ला 22 दिवस से आ यान पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रही है। आ समय दरमियान दरेक टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक काम कर रहा है, तेरे आज चंद्र पर लैंडिंग थवा जाइ रही है। अंतर्गत श्रमण ग्रह देश प्रार्थना कर रही है। हाल पवित्र श्रावण मास चली रही है, तरह सोमनाथ महादेव शरणे देश विदेश भाविको पर सोमनाथ महादेव ने आज प्रार्थना कर रहा है। भले आनी पहला बे वक्त निष्फलता भारत ने मिली, परंतु आज तो चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग थाय भारत विश्व में सिद्धि प्राप्त करे तेवी महादेव पास भाविको प्रार्थना कर रहा है। देश वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी भारत और समग्र विश्व में चिंता कर रहा है, तरह आज चंद्रयान की सिद्धि तमने जरूर ने जरूर मिलशे तेवा भाविको आशावाद व्यक्त कर रहा है। भगवान सोमनाथ की जय। मैं यहाँ आज भगवान सोमनाथ के दर्शन करने आया था और साथ ही साथ चंद्रयान 3 जो कि 22 दिन बाद पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद आज लैंड होगा, उसकी भी मैं और समस्त भारतवासी ये प्रार्थना करते हैं कि उसका जो तीसरी बार प्रदक्षिण हुआ है एकदम सही हो और उससे इसरो ने इतनी जो मेहनत की है, हमारे भारतवासी की दुआएँ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये दुआएं हैं, आज योगी आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो भी यज्ञ कर रहे हैं इसीलिए कि ये जो चंद्रयान 3 है इसकी सफल लैंडिंग हो और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इससे वो सारी जानकारी मिल सके। जैसे कि भारत में तीसरी बार छोड़ा गया है तब जाके ये सफल आज होगा। भगवान सोमनाथ से हम सभी दर्शन कर रहे हैं और मैं ही नहीं, यहाँ अनेक ऐसे लोग हैं जो भगवान सोमनाथ के आगे माथा टेके हुए हैं, बोल रहे हैं कि आज जो हमारे भारत में है इतनी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी मेहनत सफल हो। जो साइंटिस्ट हैं जो अब दिन रात मेहनत करके ये सब लगे हुए हैं और भारत देश को आगे ले जाने में, तो उसी के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन सफल परीक्षण हो और किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान ना आए। मैं अनिल मिश्रा जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हूँ, जहाँ पर के पास में इटावा जिला है, वहाँ मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली गाँव सैफई है, वहाँ बिल्कुल बगल में ही मेरा करहल विधानसभा पड़ता है, वहाँ से मैं हूँ। यहाँ सोमनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए आया हूँ। आज चंद्रयान 3 का जो है ये जो मोदी जी ने भेजा है, हमारे वैज्ञानिकों ने भेजा है, उसके लिए मैं कामना करता हूँ कि वो सफल हो। जैसे कि पहले अंत समय में परीक्षण जो है विफल हो गया था, इस बार मैं सफलता के लिए बहुत बहुत कामना करता हूँ और भगवान सोमनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो इस बार सफलता मिल दें। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, उन्होंने ये एक इतिहास रच दिया है, ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं मोदी जी ने और देश में इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कॉरिडोर है, विश्वनाथ काशी महाराज का कॉरिडोर है, यहाँ का कॉरिडोर देख के तबीयत खुश हो जाती है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है जो हिंदुओं के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, दिन रात अपने सभी देशवासियों को अपना बेटा मानते हुए और धरती को अपना माँ मानते हुए सेवा कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को आगे और ऊंचाइयों पर भगवान सोमनाथ जी महाराज आशीर्वाद दें और वो आगे हम लोगों की सेवा करते रहें, विकास करते रहें देश का और देश को निरंतर गति प्रदान करते रहें। नाम तनु मिश्रा है, मैं गाजियाबाद से आई हुई हूँ सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड कर रहा है, मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि वो सफलतापूर्वक वहाँ लैंड करे। ये रशिया का फेल होने के बाद भारत का एक इतिहास रचने का मौका है। मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना करती हूँ बाबा से कि आराम से लॉन्च लैंड हो और अपना नाम रोशन करे भारत पूरी दुनिया। भारत के साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, भारत का नाम वैसे तो है ही विज्ञान में या फिर जो भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो चंद्रयान 3 जो लैंड हो रहा है ये भी सफलतापूर्वक हो, ताकि पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो और वो सफलतापूर्वक हो जाए। क्यों सरकार में यह चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि उनके ही नेतृत्व में जो भी ये देख रेख से हुआ है लॉन्च, तो सफलतापूर्वक लैंड हो और विश्व में नाम। सुनीता मिश्रा हूँ, मेरा नाम सुनीता मिश्रा है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ यहाँ सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। पहले तो मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, फिर उसके बाद आज चंद्रयान लैंड होने वाला है उसके लिए प्रार्थना है बाबा से वो सफलतापूर्वक लैंड हो जाए और दोबारा मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम रोशन हो और दुनिया फिर दोबारा प्रधानमंत्री जी मोदी प्रधानमंत्री जी बने।
आगे ऐसे बढ़ता रहे, विश्व नाम, भारत का नाम विश्व में उजवे। नाम जो किया है, काम किया है अपना, वो सफलतापूर्वक सफलता रहे उनका काम, और ऐसे ही आगे करते रहें। अच्छा, नाथ बाबा से मेरी प्रार्थना है कि वो आगे ऐसे ही